सो गाइस फाइनली हमारे पास ओप्पो एनको बर्ड आ गया है भाई। काफी टाइम लगा इसे डिलीवर होने में बट फाइनली आ गया। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे यार कैसा ईयरबड है। ये सिर्फ 1799 का है एंड मैंने इसे 1699 में लिया भाई। पर्सनली जो है मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इससे पहले मैंने ओप्पो के जितने भी ईयरबड्स यूज किए हैं भाई मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा है, आप लोगों को बताऊंगा कि ये ईयरबड कैसा है एंड 2000 के अंदर बेस्ट ईयरबड कौन सा हो सकता है, वेदर इट इज अ गेमिंग ईयरबड और लाइक अगर आप साउंड आपका प्रेफरेंस ज्यादा है लाइक म्यूजिक सुनना चाहते हो तो उसके लिए ईयरबड चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, वीडियो पूरा देखना। तो भाई बॉक्स कंटेंट की बात करें तो हमें ये प्लास्टिक में रैप ये ईयरबड आता है एंड भाई फर्स्ट इंप्रेशन यस काफी अच्छा है, काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है तो इसे मैं साइड रख देता हूँ। उसके अलावा यार डब्बे में मैं एक चीज से बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हुआ, डब्बे में हमें चार्जिंग केबल देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ ईयर टिप्स है एंड ईयर टिप्स की भी क्वालिटी लाइक ओके सी, ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके अलावा ये कुछ पेपर मैनुअल्स है एंड वारंटी कार्ड है तो ये सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, इसे मैं फेंक देता हूँ। बट भाई और कुछ नहीं है, वायर नहीं मिलता है, टाइप सी है ये बट इसमें हमें टाइप सी केबल देखने को नहीं मिलता है। तो भाई जल्दी से इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रही है। तो कह सकता हूँ कि हिंज की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छे प्लास्टिक के मटेरियल से बना है एंड ये जो ग्लॉसी फिनिश है ना इसमें स्क्रैचेस आएंगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, इसमें स्क्रैचेस आने वाले। वहीं पर यार इसके अगर मैं ईयरबड्स की बात करूँ तो पहले इसका मैग्नेट चेक कर लेता हूँ कैसा है। गिरते बट ठीक है यार, काफ़ी टफ है लाइक मैंने बहुत ज़्यादा जोर से किया तभी ये हल्का सा नीचे आया फिर वापस इसने टाल लिया, तो मैग्नेट अच्छा है इसका। ईयरबड्स की बात करूँ तो यस भाई वाओ यार बहुत ज़्यादा अच्छा फिट है इसका। 50% मैं कह सकता हूँ 50-60% इसने नॉइस अभी कैंसिल कर दिया, हालांकि इसमें कोई एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है बट स्टिल भाई काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई मैं कुछ टाइम तक इसे यूज करता हूँ, 2-3 घंटे 4 घंटे यूज करूंगा एंड फिर मैं वीडियो में वापस आता हूँ। सो गाइज मैंने काफी अच्छे से यूज कर लिया, अभी मैं बेसिकली एक वेब सीरीज देख रहा था तो मैंने यही पहन के देखा, लगातार 4 घंटे मैंने वेब सीरीज देखी है। तो हाँ मैं बैटरी के बारे में पहले ही बता दूं, कंपनी क्लेम करती है 6 घंटा ये चल जाएगा सिंगल चार्ज में, तो भाई 4 घंटा तो चल गया। मैंने फुल वॉल्यूम में नहीं रखा था, 80% में रखा था क्योंकि इसकी लाउडनेस अच्छी खासी है क्योंकि कानों को काफी अच्छे से सील करता है। तो भाई डेफिनेटली ये मतलब 5 घंटे अराउंड चल सकता है, ये एक अच्छी चीज है। उसके अलावा अगर कंफर्ट की बात करूं, मैंने लगातार 4 घंटे पहने, हाँ थोड़ी देर के लिए निकाला था, कोई आया था मुझसे बात करने तो मैंने लाइक 5 मिनट्स के लिए इसे अपने कानों से निकाला था, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ भाई काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एंड इसकी जो ईयर टिप्स है सिलिकन टिप्स काफी सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है बट स्टिल मैं कह सकता हूँ कि मैं लाइक अगर आप यूज कर रहे हो तो आप लगातार 2-2.5 घंटे पहन के रख सकते हो एंड 5 मिनट लगाओ फिर लगाओ तो फिर 2 घंटे आप आगे कंटिन्यूअसली पहन सकते हो। तो भाई इस हिसाब से कंफर्ट के मामले में काफी अच्छा है एंड इसकी फिटिंग जो है पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। लाइक अभी तक 2000 का मैंने जितना इन ईयर ईयरबड यूज किया है, इवन बोट एयरडॉप 441 क्योंकि वो एक लाइक किंग ऑफ दिस सेगमेंट माना जाता है, तो उससे भी मुझे ज़्यादा बेटर फिट मिला है, बेटर कंफर्ट मिला है। वहीं पे अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ ना तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम लगी है, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इसमें ब्लूटूथ 5.2 प्लस है, 5.2 प्लस मतलब इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट मैंने ना मैं अपने टैब में वेब सीरीज देख रहा था, शुरुआत में जब मैंने उसे कनेक्ट किया तो इसका जो राइट वाला ईयरबड है ना ये कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसे चार्ज में लगाया, इसे फुल चार्ज किया, उसके बाद कनेक्ट किया तो कनेक्ट हो गया। तो हाँ भाई अगर आप भी लेते हो एंड ऐसा प्रॉब्लम आता है तो एक बार फुल चार्ज करो, ट्राई करो, आई होप कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड मैंने इसका जो हे मेलेडी ऐप आता है उसे इंस्टॉल किया था, मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट चेक किया तो ये अपडेटेड है, तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आई डोंट नो क्या था बट ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ी फेस करने को मिली है एंड ऐसा कोई TWS के साथ उस टैब में पर्टिकुलरली नहीं हुआ है। टैब अच्छा है मैं कहना चाहूँगा, ऐसा आप लोग मत समझना कि भाई बेकार टैब है एंड कुछ ब्लूटूथ का प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो ये मैंने फेस किया है। उसके अलावा अभी तक कनेक्टिविटी में उतनी कुछ इशू नहीं आई एज सच एंड भाई इसे जब आप खोलोगे ना तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाता है, ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। लाइक बहुत ज़्यादा फास्ट है तो एक बार आप पेयर करो कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर मैं टच कंट्रोल्स की बात करूँ तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, सिंगल टैप करोगे तो म्यूजिक पॉज हो जाता है, फिर सिंगल टैप करो दोनों ईयरबड में फिर म्यूजिक प्ले हो गया एंड ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। थोड़ी देर टैप करके रखते हो तो वॉल्यूम बढ़ने लगता है एंड लेफ्ट वाले में थोड़ी देर टैप करके रखोगे तो वॉल्यूम घटने लगेगा और ये टच कंट्रोल काफी अच्छे से काम कर रहा है। अगर डबल क्लिक करते हो तो नेक्स्ट ट्रैक में चला जाएगा एंड यहाँ पे फिर से करोगे तो प्रीवियस ट्रैक में चला जाएगा, लेफ्ट राइट का फंडा है।
उसके अलावा अगर आप ये दोनों में से कोई भी ईयरबड में ट्रिपल टैप करते हो तो गेमिंग मोड में चला जाएगा एंड एक साउंड हैप्टिक आता है लाइक गेमिंग मोड करके गेमिंग मोड में चला जाएगा। आप लोग को मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, जब आप मूवीज देखते हो तब भी भाई गेमिंग मोड ऑन करके देखो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, थोड़ी भी लेटेंसी नहीं मिलेगी। एंड अगर आप गेमर हो तो भाई डेफिनेटली ये ले सकते हो क्योंकि इसमें गेमिंग मोड है, अच्छी गेमिंग होगी एंड ये जो स्टीरियो वाला इफेक्ट आता है ना वो आएगा इसमें, ये काफी अच्छी चीज है। उसके अलावा भाई कॉल क्वालिटी की बात करूं तो कॉल क्वालिटी में मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ऑल्दो इसमें हमें नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है तो मैं कह सकता हूँ कि लाइक अच्छा फीचर है, बट भाई जब आप ज्यादा भीड़ में बाहर जाते हो, तो मैंने अभी तक जितने भी ईयरबड यूज किए हैं 2000 के अंदर एंड ओवर द टाइम ना यूज करते करते जब आप बाहर यूज कर रहे हो, ज्यादा क्राउडेड है एंड वहां पे यूज कर रहे हो तो आपको ना प्रॉब्लम होने लगती है कॉल में। तो लाइक मैं पर्सनली बोलूंगा कि अभी के लिए कॉलिंग क्वालिटी अच्छी है, बट ओवर द टाइम यूज करते करते बाहर क्राउडेड एरिया जो रहती है उसमें क्या होगी उसका मैं नहीं बता सकता, बट भाई अभी के लिए कॉल क्वालिटी काफी अच्छी है। मैं आपको एक बार रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। सो गाइस अभी जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वो आप एनको बर्ड से सुन रहे हो एंड यहाँ पे फैन भी चालू है, तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि इंडोर कंडीशन में थोड़ा हवा रहती है तो कॉल रिकॉर्डिंग कैसी होने वाली है। तो गाइस आप लोग जज कर लेना कि कॉलिंग की क्वालिटी कैसी है इसमें। एक और काफी तगड़ी चीज लगी साउंड क्वालिटी से, पहले बात करता हूँ, हमें इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, प्लस ये IP55 रेटिंग के साथ आता है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है तो जिम विम पहन के जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट भाई हाँ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। तो साउंड क्वालिटी पे आते हैं, भाई साउंड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, अगर आप एक बेस लवर हो, बहुत ज़्यादा बूमी बेस सुनते हो तो आपको उतना पसंद नहीं आएगा, बट जैसा मैं एक बंदा हूँ मुझे चाहिए कि भाई थोड़ा सा बैलेंस रहे, लाइक मिड्स हाइज लोज एंड बेस ट्रेबल ये सब ना काफ़ी लाइक बैलेंस रहता है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। मैं आप लोगों को बताता हूँ एक चीज़, बोट एयरडॉप्स 441 जब मैं यूज़ कर रहा था ना उसमें ना बहुत ज़्यादा बेस है, एंड बोट के सारे प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, उसमें बहुत ज़्यादा बेस रहती है, ओवरलैप कर जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी बैलेंस है तो काफी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। वेदर यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक या अगर आप मूवीज देख रहे हो भाई बहुत अच्छा वोकल्स रहता है। हाँ साउंड सेपरेशंस की बात करूँ तो साउंड सेपरेशंस उतना ज्यादा मुझे लाइक एविडेंट नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि जब आप म्यूजिक सुनते हो ना तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके सेपरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बट ओवरऑल काफी रिच साउंड है तो मुझे ये एक चीज अच्छी लगी है। ऑल्सो इसका जो हाई मेलोडी ऐप है वहां पे आपको काफी सारे कंट्रोल, जो भी इसका टच कंट्रोल है वो आप कस्टमाइज कर सकते हो, डबल टैप ट्रिपल टैप या होल्ड करके रखोगे या सिंगल टैप, ये सब आप कस्टमाइज कर सकते हो, ये एक अच्छी चीज है। उसके अलावा यहाँ पे लाइक साउंड का कोई ऑप्शन नहीं है इस ऐप में, भाई साउंड का ऑप्शन होता ना तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कंपटीशन हो जाता एंड आई डोंट थिंक कि इसके सामने कोई टिक पाता क्योंकि आपको पर्सनलाइज साउंड मिलता। ऑल्सो गाइस एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, जो हे मेलोडी ऐप है ये आईफोन में अभी तक ओप्पो एनको के लिए नहीं आया है, तो मैं बिना ऐप के आईफोन में यूज कर रहा था, बट हाँ एंड्रॉइड फोन के लिए ओप्पो एनको का सपोर्ट है उस ऐप में, तो आप जाके कस्टमाइज कर सकते हो, बट याद रखना म्यूजिक पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है। ओके, तो भाई मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, तो भाई अगर आप 2000 के अंदर एक ईयरफोन ढूंढ रहे हो तो भाई इसमें हमें गेमिंग मोड देखने को मिलता है, अच्छी है, मैंने पहन के गेमिंग कर रखा है तो अच्छी है, आप लोगों को पता चलेगा फुटस्टेप कहाँ से आ रहे, कहाँ से फायरिंग हो रही है एंड लेटेंसी अगर गेमिंग मोड ऑन कर देते हो तो उतना ज़्यादा नहीं है, तो गेमिंग के लिए लाइक मैं कह सकता हूँ कि आप ले सकते हो। अगर आप कॉलिंग के लिए लेना चाहते हो तो भाई लो, बट ऐसा है कि 2000 के अंदर जो भी ईयरबड है वो थोड़ा टाइम के बाद कॉलिंग में प्रॉब्लम करता है, बट अभी के लिए कॉलिंग काफी अच्छी लगी मुझे इसकी। उसके अलावा भाई साउंड क्वालिटी मैंने जैसे कहा काफी रिच है, तो डेफिनेटली इन सब को कंक्लूड करके मैं बोल सकता हूँ कि ओप्पो एनको बर्ड्स काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप 2000 के अंदर एक इन ईयर ईयरफोन ढूंढ रहे हो। ऑल्सो गाइज नॉइस VS303 एंड ओप्पो एनको बर्ड्स इन दोनों का कंपेरिजन आएगा क्योंकि दोनों ही 1800 के प्राइस रेंज में मिल रहा है आपको अभी ऑनलाइन, तो मैं वैसे बाय लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट करना एंड अगर आपको वो कंपेरिजन देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल्सो आपको ओप्पो एनको बर्ड्स के साथ और किसका कंपेरिजन देखना है या आपको किस ईयरबड के साथ कंफ्यूजिंग हो रही है, लाइक डाउट्स है कि कौन सा लेना चाहिए, मुझे कमेंट में पूछो, मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो यहाँ तक देख लिया है, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।